गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था तमिल पर्व पोंगल। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्यौहार है और यह त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस त्यौहार को 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन को, जो पहले दिन पोंगल होता है, उसे पोंगल भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन भगवान इंद्र की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान इंद्र को नए नए पकवान बनाकर, स्वादिष्ट पकवान बनाकर पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। क्योंकि भगवान इंद्र के को क्यों पूजा जाता है, क्योंकि वो वर्षा का देवता है। वो समय पर वर्षा नहीं करेंगे तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो भगवान इंद्र को धन्यवाद देने के लिए तमिलनाडु में यह भोगी पोंगल मनाया जाता है। फिर दूसरे दिन सूर्य पोंगल मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान सूर्य फसलों को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस दिन सूर्य पोंगल के दिन खेतों में बीज बोए जाते हैं, जिससे कि नई फसल हो सके। और तीसरे दिन मनाए जाने वाले पोंगल का नाम है मट्टू पोंगल। इस दिन जो मवेशी होते हैं उनकी पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा की जाती है, ठीक है। और तीसरे दिन गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, और उस प्रतियोगिता का नाम है जालीकट्टू। इस प्रतियोगिता में जवान लड़के ही भाग लेते हैं, और उन लड़कों को बैलों के सींगों में जो रुपयों की माला होती है उसे निकाल कर लाना होता है, और जो माला निकाल लेता है वही उस काम का हीरो बन जाता है। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखिए, इस पाठ के प्रश्न उत्तर है मौखिक प्रश्न। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपको उत्तर क्या लिखना है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दूसरा प्रश्न है, किस पोंगल में पशुओं की पूजा की जाती है? अभी मैंने बताया था ना, किस पोंगल में पशुओं की पूजा की जाती है? तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है? मट्टू पोंगल में पशुओं की पूजा की जाती है। तीसरा प्रश्न है, किस पोंगल में स्त्री पुरुष व बच्चे गांव के चौपाल पर आग के चारों ओर नृत्य करते हैं? तो बच्चों बताइए, किस पोंगल में स्त्री पुरुष व बच्चे गांव के चौपाल पर आग के चारों ओर नृत्य करते हैं? तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है? इसका उत्तर लिखना है, भोगी पोंगल में स्त्री पुरुष व बच्चे गांव के चौपाल पर आग के चारों ओर नृत्य करते हैं। जो आपको प्रश्न जोड़कर आपका उत्तर लिखना है, ठीक है। अब है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दक्षिण भारत में पोंगल का क्या महत्व है? जैसे हमारे देश में, हमारे राजस्थान में, मान लो हमारे देश में दीपावली का त्यौहार का महत्व है, उसी तरह दक्षिण भारत में भी पोंगल का अलग महत्व है। तो आप बताइए, दक्षिण भारत में पोंगल का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर देखिए, दक्षिण भारत में
पोंगल धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए यह त्यौहार मनाते हैं। दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं और भगवान से आगामी फसल के अच्छे होने की प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी आगे जो फसल हो वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, सूर्य, इंद्रदेव तथा खेतीहर मवेशियों की पूजा और आराधना की जाती है ताकि हमारी आगे की फसल अच्छी हो, हमारे यहाँ सुख समृद्धि बनी रहे। आगे का प्रश्न है, सूर्य पोंगल में सूर्य देवता की पूजा क्यों की जाती है? तो बच्चों आगे का प्रश्न देखिए, सूर्य पोंगल में सूर्य देवता की पूजा क्यों की जाती है? मैंने बताया था अभी, देखिए आपका उत्तर। सूर्य पोंगल में सूर्य देवता की पूजा की जाती है क्योंकि फसलों को सूर्य देवता क्या देते हैं? ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। सूर्य देवता क्या देते हैं? ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। और आज के ही दिन खेतों में बीज बोए जाते हैं, इससे नया धान पैदा होता है। जब सूर्य देवता की पूजा की जाती है, पोंगल के दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है, उसी दिन खेतों में बीज बोए जाते हैं ताकि नई फसल, नया धान पैदा हो सके। अब है तीसरा प्रश्न, लेखक जल्लीकट्टू में भाग नहीं क्यों नहीं भाग ले सकता था? आगे का प्रश्न क्या है, लेखक जल्लीकट्टू में क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? ये प्रतियोगिता थी जल्लीकट्टू की, इसका उत्तर देखिए, लेखक जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता था क्योंकि वह अभी बहुत छोटा है। और इस प्रतियोगिता में कौन भाग लेते थे? केवल जवान लड़के ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है, लेखक जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते क्योंकि अभी वे छोटे हैं और इस प्रतियोगिता में केवल जवान लड़के ही भाग ले सकते हैं। तो बच्चों आगे का प्रश्न है, भोगी पोंगल में इंद्र देवता की पूजा क्यों की जाती है? भोगी पोंगल जो पोंगल का पहला दिन था, उस दिन इंद्र की देवता क्यों की जाती है? तो बच्चों इसका उत्तर देखिए, भोगी पोंगल में इंद्र देवता की पूजा की जाती है। आपको प्रश्न जोड़कर आपका उत्तर लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? भोगी पोंगल में इंद्र देवता की पूजा की जाती है क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र देवताओं के राजा हैं। खेतों में फसलें तभी तो लहराएगी, खेतों में फसलें कब लहराएगी? जब इंद्र देवता वर्षा करेंगे। जब इंद्र देवता समय पर वर्षा करेंगे तभी फसल लहराएगी। आज के दिन उन्हीं को धन्यवाद देते हैं। सूर्य पोंगल, भोगी पोंगल के दिन किसे धन्यवाद देते हैं? इंद्र को। क्यों देते हैं? क्योंकि वो समय पर वर्षा करते हैं और समय पर वर्षा करने के कारण फसल अच्छी होती है। अब आगे का प्रश्न है, पहला है क्रिसमस, सेंटा क्लॉज कहाँ है? ये रहा। तो ये कौन से त्यौहार का है? क्रिसमस का। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? क्रिसमस। ठीक है, दूसरा है, इसमें
रंग दिख रहे हैं, कलर दिख रहे हैं, तो कलर दिख रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा त्यौहार हुआ? होली। तो ये कौन सा त्यौहार होगा? होली। अब तीसरे नंबर पे आपको क्या दिख रहे हैं? पटाखे। पटाखे दिख रहे हैं तो कौन सा त्यौहार होगा? दीपावली। और चौथे नंबर पे रावण का दहन किस त्यौहार पे होता है? दशहरे पे। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा? दशहरा। आगे का प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए बच्चों, भोगी पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? भोगी पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की, इंद्र की, अग्नि की या वरुण की? तो इसका उत्तर क्या होगा? इंद्र की। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इंद्र की पूजा की जाती है। खेतों में बीज किस पोंगल को बोए जाते हैं? खेतों में बीज कौन से पोंगल को बोए जाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे सूर्य पोंगल पे। ठीक है, अब है, जाली कट्टू में किस पशु के सींगों में रुपयों की माला बांधी जाती है? जालीकट्टू प्रतियोगिता में किस पशु के सींगों पर रुपयों की माला बांधी जाती थी, बांधी जाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप बैल। किसके सींगों पर? बैल के सींगों पर रुपयों की माला बांधी जाती है। अब है भाषा व्यवहार। भाषा व्यवहार में आपका पहला प्रश्न है, जैसे जानवरों का झुंड होता है वैसे ही आपको यहाँ चार प्रश्न दिए गए हैं, उनमें भी आपको एक दल बनाना है, एक झुंड बनाना है, उनको इकट्ठा होने पर वह क्या कहलाते हैं ये लिखना है। डाकुओं का होता है, डाकुओं का क्या होता है, झुंड होता है या दल होता है? दल। ठीक है, भेड़ों का, कई भेड़े इकट्ठी हो जाती है तो क्या होता है, उनका इकट्ठा होना क्या कहलाता है? भेड़ों का झुंड होता है, वो झुंड कहलाता है। कई भेड़े इकट्ठी होती है तो वहाँ उन्हें झुंड बोला जाता है, भेड़ों का झुंड बोला जाता है। कूड़े का ढेर होता है, खूब सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ढेर, कूड़े का ढेर। चाबियों का क्या होता है? चाबियों का गुच्छा होता है, चाबियों का हम क्या बोलेंगे? गुच्छा। ठीक है, अब आगे का प्रश्न है, दिए गए वाक्यों से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो आपको इन तीन प्रश्नों में से सर्वनाम शब्द छांटकर यहाँ लिखना है। पहला है, आज वह बाहर नहीं निकलेगा, इसमें से आपको सर्वनाम शब्द बताना है। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा हुआ? वह, यह, वह, तुम, तुम्हें, आप, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। तो इस पहले प्रश्न में आप सर्वनाम शब्द क्या लिखेंगे? वह। दूसरा है, तुम अभी कहाँ से आ रहे हो? तो यहाँ दो सर्वनाम शब्द है, दो सर्वनाम शब्द है, तुम। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है तुम, तुम और कहाँ, यहाँ दो सर्वनाम है। ठीक है, कहाँ यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कल मैं बाजार
गया था। तो यहाँ सर्वनाम क्या है? मैं। यहाँ मैं सर्वनाम है। दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण और विशेष्य शब्दों का चयन कीजिए। अब जो आपके आगे का प्रश्न है उसको देखिए। दिए गए वाक्यांशों में से आपको विशेषण और विशेष्य शब्दों को अलग करना है। देखिए, इसमें पहला है उत्साही लोग। उत्साही लोग में उत्साही तो आपका विशेषण होगा और लोग विशेष्य होगा। सामाजिक त्यौहार। सामाजिक त्यौहार में सामाजिक विशेषण होगा और त्यौहार विशेष्य होगा। दयालु भगवान। दयालु भगवान में दयालु विशेषण होगा और भगवान विशेष्य होगा। लोक देवता। लोक देवता में लोक विशेषण होगा और देवता विशेष्य होगा। भीनी सुगंध। भीनी सुगंध में भीनी विशेषण होगा और विशेष्य सुगंध होगा। ठीक है, नीचे के प्रश्नों में जानिए और कीजिए। प्रस्तुत पाठ में पोंगल त्यौहार पर बनने वाले पकवानों की चर्चा हुई है। निम्नलिखित त्यौहारों पर क्या क्या पकवान बनते हैं लिखिए। ये आपको कॉपी में नहीं करना है, इसे आप केवल जान लीजिए, समझ लीजिए। क्रिसमस पर क्या क्या बनते हैं आपके घर में, ये आपको जानकर लिखना है। होली पर क्या बनता है और ईद पर क्या बनते हैं। अपने मनपसंद त्यौहार के बारे में लिखिए। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। अपने मनपसंद त्यौहार के बारे में आपको यहाँ 5 लाइन लिखनी है। ठीक है, ये पाठ आपको करना है। धन्यवाद।